Assalamu alaikum and welcome to Tang's Asia Cricket Cup Cricket Hangama, presented by Coca-Cola and of course sponsored by none other than Zameen.com. Imran Ali Khan, Zishan Ali Khan, इन्होंने ये 2006 में ये कंपनी खोली और उसके बाद 5,500 इनके एम्प्लॉयज, 55 लाख इनकी हिट्स हैं वेबसाइट के ऊपर और 20,000 से ज़्यादा इनके एजेंट्स हैं जो कि आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। 2014 में इन्होंने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेके आए, वर्चुअल रियलिटी के साथ अपनी इन्होंने प्रेजेंटेशन की। फिर उसके बाद 2018 में ज़मीन डेवलपमेंट इन्होंने इस्टेब्लिश किया और उसके बाद, अब आप सुनिए गौर से, उसके बाद इन्होंने, इनकी जो पेरेंट कंपनी है EMPG, इन्होंने $1 बिलियन के एक्विजिशन की बाय एक्वायरिंग OLX। सोच लें आप, $1 बिलियन यूनिकॉर्न एक इन्होंने कंपनी की। सो दिस इज़ अ ग्रेट सक्सेस स्टोरी एंड ऑफ कोर्स दे आर द पीपल हु स्पॉन्सर प्रोग्राम्स लाइक दिस। थैंक यू वेरी मच Zameen.com एंड कोक एंड ऑफ कोर्स टैंग। अब बात आती है, आज जो बहुत बड़ा मैच है हमारे लिए, हिंदुस्तान पाकिस्तान, इस पर बात करेंगे। अफगानिस्तान एंड ऑफ कोर्स श्रीलंका क्या हुआ, ये भी हम आपसे बात करेंगे। और हमारे जो पैनल पे आज है, साबिक टेस्ट कप्तान सलीम मलिक, साबिक टेस्ट क्रिकेटर एंड ऑफ कोर्स वन ऑफ द यंगस्टर्स जो हमें सोचते थे कि ज़्यादा खेलें, अब्दुल रऊफ, और हमारे चीफ सिलेक्टर एंड पाकिस्तान फॉर्मर टेस्ट ओपनिंग बैट्समैन मोहम्मद इलियास आज हमारे साथ मौजूद है। और ऑफकोर्स इलियास साहब, मैं आपसे शुरू करूँगा, वेलकम बैक, नहीं मैं ऊंचा ही बोलूँगा आपसे, ये एक तो आप हंसा देते हैं सवाल करते करते ये मुझे बताएं कि अब आप बोर्ड में वापस आ गए हैं, नए लड़के, आपने मुझे बड़ा इम्प्रेस किया इन्होंने जी आज, कि हमारे पास 3 या 4 ऐसे हैं कि रेडीमेड हैं जो कि पाकिस्तान टीम में डायरेक्ट आ सकते हैं, इसके मुतालिक बताइए पहले। अब जो लड़कों की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं अभी गया हुआ था कराची, 14 अगस्त को गया था, वहाँ पे अंडर 19 के मैचेस हो रहे थे, तो आई अमेज, बी ऑनेस्ट, नॉट बिकॉज आई वर्क फॉर द बोर्ड, आई एम नॉट बॉदर अबाउट इट, आई बी ऑनेस्ट विद यू बिकॉज आई गॉट टू बी ऑनेस्ट विद माई सेल्फ। वहाँ पे मैंने एटलीस्ट 4 ऐसे क्रिकेटर देखे हैं जिनमें से 2 इस वक्त पाकिस्तान खेल सकते हैं, और एक है पख्तून से है उसका, और एक उसका नाम है अहमद, और एक लड़का, यंग लड़का, विकेट कीपर, ओपनिंग बैट्समैन, लेफ्ट हैंड, दोनों आउट क्लास हैं, और एक लेग स्पिनर मैंने देखा है जो मिस्ट्री टाइप, उसका एक्शन बहुत अच्छा, लेकिन उसका फ्रंट बाजू, मैंने रिपोर्ट लिख दी है, गिर जाता है बिफोर डिलीवरी, वो है। और एक लड़का, फर्स्ट टाइम आई सीन आफ्टर लॉन्ग टाइम, के जेन्युइन ऑफ स्पिनर, ऑर्थोडॉक्स ऑफ स्पिनर, लड़के का नाम नवीद है। मुझे तो ऐसे लगता है कि ये दे नीड सम टाइम, जो अभी 2 लड़कों का नाम मैंने लिया, लेकिन 2 जो अदर लड़के हैं, आई थिंक दे शुड बी प्लेइंग फॉर सूबों की तरफ से, उनको ट्राई करना चाहिए। लेट्स फाइंड आउट हाउ गुड दे आर, दे डिटरमिन, उनका इतने ठीक अच्छे क्रिकेटर हैं नहीं है, मेरा ख्याल है कि दे कैन बी टू कैन मस्ट प्ले फॉर सुबह। आई हैव रिटन डाउन टू गिवन इट टू नदीम खान। चले जी, इससे पहले कि हम दूसरे सब्जेक्ट पर जाएं, एक सवाल आपसे और करूँगा। बोर्ड कि जो आपके पेट्रन हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, बहुत ज़बरदस्त काम किया, डिपार्टमेंटल क्रिकेट रिवाइव कर दी, ये जो सूबे की, देखें बात सारी ये है कि यस इट गोइंग टू टेक 2 ईयर्स एटलीस्ट, गॉड नोज क्या होगा, लेकिन प्रॉब्लम मैं एग्री करता हूँ, होनी चाहिए, लेकिन पॉइंट ये है कि अगर आपने मुझे डिपार्टमेंट में नौकरी देनी है तो ये नहीं हो कि जी आप 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट है, आई शुड बी परमानेंट। सेकेंडली, दे शुड हैव देयर ओन ग्राउंड्स, डिपार्टमेंट की अपनी ग्राउंड होनी चाहिए, और तीसरी बात यह है कि दे मस्ट हैव अंडर 19 टीम। गुड आइडिया, दो दैट्स माय पर्सनल गोल, अंडर 19 टीम भी होनी चाहिए, लेकिन अगर आपने 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट देना है, फिर मेरी परफॉर्मेंस नहीं होती उस सीजन, तो आप मुझे निकाल के देखे दे देंगे, तो यू गॉट टू बी फेयर विद द प्लेयर्स, तो अगर ये करते हैं तो दैट्स फाइन। बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है, इस पर हम बहुत आगे भी बहस इस पर करेंगे। सर, कल का मैच ये जो हुआ है श्रीलंका अफगानिस्तान, 175 179, एंड ऑफकोर्स एक ही प्लेयर उनका वो खेला है श्रीलंकन, बाकी नीचे से कोई चलाइए नहीं, ऐसा नहीं है, एक ने 40 किया है। हाँ, एक ने 40 किया है। देखें, हम सोच रहे थे कि ये टीम शारजा में मैच हो रहा है, ये लोग आराम से जीत जाएंगे, क्योंकि स्पिन उनका अटैक बहुत अच्छा था,
अफगानिस्तान का, मगर 175 करने के बाद जिस तरह वो हारे हैं, मतलब मुझे तो यकीन नहीं आया कि क्योंकि हम बार बार ये कह रहे थे कि इस टूर्नामेंट में अगर सबसे अच्छी स्पिन बॉलिंग अगर है तो वो अफ़गानिस्तान की है, मगर मुझे इस टूर्नामेंट में राशिद ने बड़ा डिसअपॉइंट किया है कि आप देखें, मैं उसको बहुत एडमायर करता हूँ, बल्कि सारे लोग ही उसको एडमायर करते हैं कि ये बड़ा अच्छा लेग स्पिनर है, मगर इस टूर्नामेंट में कल के मैच में भी उसने 40 रन दिए हैं और एक आउट किया है। तो मेरा ख्याल है कि जब आपका मेन बॉलर अगर आउट नहीं करेगा और मार खाएगा तो फिर वो डिज़र्व करती है टीम के वो मैच ना जीते। बाकी देखे मुजीब एक वाहद उनका बॉलर है जो कंसिस्टेंटली विकटें ले रहा है और कम स्कोर दे रहा है, बाकी इस पे रिलाय करते थी पूरी टीम। देखें एक बंदा होता है जिसको आप एक अच्छा गारा होता है ना तो सब तगड़े हो जाते हैं, मगर वो इस टूर्नामेंट में उसने बहुत, मेरा ख्याल है अभी तक है 4 या 5 आउट किए हैं। तो टीम अगर कल का मैच अगर हारी है तो उसकी बैड परफॉर्मेंस, और दूसरी तरफ से श्रीलंका को अगर आप देखें तो श्रीलंका में किसी ने 50 रन नहीं किए, सारे 30-30s में, मतलब सब ने 35 से इन बिटवीन स्कोर किया है। और जो मेरा ख्याल टर्निंग पॉइंट था वो जो आखिरी ओवर में, दो ओवरों में, क्योंकि रऊफ और मैं डिस्कस कर रहे थे तो उसमें बल्कि रऊफ ने ये मेंशन किया, क्रेडिट रऊफ को जाता है कि उसने 32 स्कोर किया दो ओवरों में, आखिरी जो उनकी पार्टनरशिप थी, तो उसने टोटल मैच एकदम चेंज कर दिया। तो बात वही है कि अगर जब आपके मेन प्ले उनकी, चूँकि ये स्ट्रगल कर रहे हैं अफगानिस्तान ना फास्ट बॉलिंग में, थोड़ी सी आप देखें इनको मार फास्ट बॉलरों पर ज़्यादा पड़ी है। और दूसरा राशिद खान, मैं बार बार कहता हूँ कि राशिद जितनी देर नहीं चलेगा अफगानिस्तान मार खाएगी। क्यों जी? बिल्कुल, और मेरा ख्याल कि बिल्कुल दुरुस्त पॉइंट है कि जो मेन बॉलर है जिस पर अफगानिस्तान की टीम डिपेंड करती है वो राशिद खान है। जब तक वो स्ट्राइक नहीं करेगा बड़ा मुश्किल हो जाएगा अफगानिस्तान के लिए मैच जीतना। और यही चीज़ मेरा ख्याल है कि जो श्रीलंकन बैट्समैन थे उनको भी एग्जैक्टली पता था, इसी वजह से जब उन्होंने शुरू किया तो उन्होंने अटैक राशिद खान पर ही किया और उसके पहले ओवर में ही 2 जो सिक्स है वो कंसीड हुए। सॉरी, इसकी उसके बाद जो बाकी जो उनकी बॉलिंग लाइन थी स्पिन बॉलिंग वो सारी की सारी अंडर प्रेशर आ गई। तो मेरा ख्याल है कि जो सारा फोकस था जो श्रीलंकन टीम का वो भी राशिद खान पे था, क्योंकि उनको पता था कि अगर हम राशिद खान पे अटैक करेंगे तो हम इनकी पूरी की पूरी बॉलिंग लाइन को अंडर प्रेशर ले आएंगे। और इसमें जो क्रेडिट जाता है वो बहुत ज़्यादा जो कुशाल मेंडिस है उनको जाता है, और उसके बाद जो नीचे से ऑफकोर्स राजा पक्से जिन्होंने 40-45 रन की बड़ी कमाल की इनिंग खेली है, और एक दो ओवर जिस तरह सलीम भाई ने बात की है फास्ट बॉलर्स फारूकी और नवीन खान के, दो ओवर में उन्होंने टोटल मैच ही चेंज कर दिया। तो मेरा ख्याल है कि आस्ता आस्ता इनका जो कम्बिनेशन है वो विनिंग कम्बिनेशन बिल्ड होता जा रहा है और टीम भी जेल होती जा रही है। तो ये आगे चलकर मेरा ख्याल है कि जो बाकी टीमें उनके लिए भी मुश्किल पैदा कर सकती है। क्यों जी, आप इसकी किस तरह सिनॉप्सिस बनाएंगे? देखिए, मैं जो मैचेस देखे हैं असल में अफगानिस्तान मुझे बहुत अच्छी टीम लगी है, फ्रेंकली स्पीकिंग डेयरिंग टीम। हाँ, मेरा ख्याल है कि लोग उसके बारे में नहीं सोच रहे थे, थिंकिंग इंडिया पाकिस्तान एंड श्रीलंकन मोस्टली। जो मैंने देखा जैसे बात अभी काफ़ी उसको फेंटने लगी है, उसका मेन बॉलर स्ट्राइकिंग बॉलर उसको एवरेज निकाल के देख। जरा एक सेकंड, मैं आपको पिच रिपोर्ट आई है जी, जरा ये देखते हैं ये क्या है। दे माइट हैव अ रीथिंक। मैं एक का ब्रेक पे चला जाऊं, ब्रेक के बाद मैं वापस आता हूं। हाजिर हैं हम सर, ये जब भी इनसे बात होती है ब्रेक आ जाती है, बट दैट्स फॉर द लंस ऑफ टेलीविजन। हमारे साथ रहिए एंड वी विल कंटिन्यू विद द प्रोग्राम आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक टू टैंग क्रिकेट एशिया क्रिकेट का हंगामा, प्रेजेंटेड बाय None other than Coca-Cola and of course sponsored by Zameen.com. बड़ी सक्सेस स्टोरी है, मैं बार बार रिपीट करता हूँ क्योंकि पाकिस्तान में हम कई दफ़ा नेगेटिव पे चले जाते हैं, लेकिन ये आपके सामने रियलिटी एंड एब्सोल्युटली पॉजिटिव एक पॉजिटिविटी की एक स्टोरी है। 2006 में कंपनी बनती है, इमरान अली खान, ज़िशान अली खान, उसके बाद 5,500 एम्प्लॉज़ आ जाते हैं, उनको मुलाजमत मिल जाती है, 55 लाख इनकी हिट्स हो जाती है, इनके
जो वेबसाइट है, और उसके बाद 20,000 से ज़्यादा इनके एजेंट्स हैं पूरे पाकिस्तान में जो कि आपकी सर्विसेज के लिए हैं। और भी इस पर बात होती है, लेकिन हम ब्रीफली ज़रा पिच रिपोर्ट का इलास बात करें। देखिए जी, मैं पहले कहने जा रहा था कि अगर आप देखें दुबई में फ्लैट पिचें होती हैं, डर लगा होता है उसके ऊपर, ग्रास नज़र नहीं आती। अगर आप देख लें पिछले चंद मैच, लास्ट मैच श्रीलंका का और उसका अफगानिस्तान का, फ्लैट टाइप पिच थी वो, शारजा में हुआ है, शारजा की जहाँ पे ये 38 में आउट हुआ, शारजा में था, ये दुबई में हुआ। लेकिन आप सब पिचें देखें, इनके ऊपर सब पे ग्रास है, तो इसके इसीलिए आप ये देखेंगे कि अर्ली ऑन द बैट्समैन आर स्ट्रगलिंग, ओपनिंग बैट्समैन गेंद हिलता है थोड़ा सा, तो मेरा ख्याल है कि इसकी वजह से भी जो प्रॉब्लम बढ़ा स्कोर नहीं, और पहले तीन चार मैचों में निकाल के देख लें इतना बड़ा स्कोर नहीं। अच्छा, ब्रीफली आप क्या करेंगे ऑन दिस पिच रिपोर्ट? ये गेंद तो निकलेगा, यहाँ पे गेंद तो उठेगा, लेकिन प्रॉब्लम सारी ये है कि रनजे जो लोग मैच देखने आते हैं वो ये चाहते हैं 20-20 में कि छक्के चौके लगें, लेकिन अगर आप जैसे मैं पहले अर्ज कर रहा था कि वो सीन ही हुआ, लेकिन लास्ट मैच पे इन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ जो बैटिंग की है श्रीलंका ने, ये खुला खेले हैं, क्योंकि विकेट में वो चीज़ नहीं थी जो कि पिछले दो तीन मैच में। इस पिच पे देख लें, अब ग्रीन है, अब ये देखना है कि पाकिस्तान ने कौन सी क्या बॉलिंग खिलानी है या इंडिया ने क्या खिलाना है। क्यों जी, जो रिपोर्टर्स कहते हैं कि लो एंड स्लो, देखें वो जो पिछला मैच हुआ है ना, वो मेरे ख्याल शायद मिक्स कर गए थे, वो शारजा में था, ये दुबई में थोड़ा सा आप देखो डोमिनेट कर रहा है इंडिया। जैसे आप दोनों मैचेस में देखो पाकिस्तान के खिलाफ थोड़ा सा ग्रास हुआ है, वरना पिछले मैच में अगर आप जाएं जो पिछला मैच इंडिया ने खेला है हांगकांग के खिलाफ, वो फ्लैट विकेट था, बिल्कुल उस पर ग्रास नहीं थी। इस पर इसका मतलब है कि डोमिनेट कर रहे हैं उनकी ग्राउंडमैन को, वो अपनी मर्जी की विकेटें बना रहे हैं, तो थोड़ा सा ग्रास है, मगर मेरा नहीं ख्याल कि फ्रेश विकेट में, ऑब्वियसली जब नया बॉल होता है फ्रेश विकेट बनती है, पानी लगा होता है, तो विकेट थोड़ा सा तो स्विंग करेगी पहले दो तीन ओवर, मगर उसके बाद वो वाला हिसाब नहीं होगा जो पहले मैच में था कि बाउंस भी था और बॉल निकल रही थी। तो मेरा ख्याल है बैट्समैन दो तीन ओवर थोड़े से डिफेंसिव खेलने पड़ेंगे अगर स्विंग हुआ, अगर नहीं होता तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना तंग करेगी, क्योंकि अभी जो टॉस में वो कह रहा था कि इंडियन तीन स्पिनर्स के कोशिश कर रहा है, तो इसका मतलब है विकेट ड्राई है, तो फिर वो अगर ड्राई है तो फिर वो तो तीन के साथ ही जाएगा। मगर इस मैच में पाकिस्तान को थोड़ा सा ये कैच मुझे नज़र जो आया, जडेजा अनफिट है, और वो बैटिंग और बॉलिंग दोनों में बहुत इंडिया के लिए बहुत अच्छा रोल अदा कर रहा था, तो पाकिस्तान का एक थोड़ा सा एज मिलेगा कि वो नहीं है आज। आगे जाएंगे, जडेजा की बात कर रहे हैं, नी इंजरी का कह रहे हैं कि शायद ना खेले वो, हमारा धानी वो भी आउट हो गए बिकॉज ऑफ इंजरी, सो व्हाट डू यू थिंक हमारी क्या कॉम्बिनेशन होगी, क्योंकि जिस तरह वो संजय बात कर रहे थे कि व्हाट इफ इंडिया प्लेज थ्री स्पिनर्स, इंडिकेटर तो मिल गया हमें। देखिए मेरा नहीं ख्याल कि जिस तरह की पिच है, क्योंकि जो लास्ट मैच था उस पर पिच सेम थी, ग्रास भी इसी तरह था, मगर जो डिफरेंस था पिच का उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर था, डंपनेस थी, इस वजह से बॉल किक भी कर रहा था और थोड़ा सा सीम भी हो रहा था, और अर्ली ऑन आपने देखा कि जितने फास्ट बॉलर्स थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज लिया, मगर ये इसमें ग्रास का जो लेवल है वो बिल्कुल सेम है, मेरा ख्याल है कि उसी मशीन से कटिंग की गई है जिससे पिछले मैच में की गई थी, मगर जो ग्रास नज़र आ रही है वो बिल्कुल ब्राउन है और बिल्कुल ड्राई डाउन किया हुआ उन्होंने, उसमें किसी किस्म का कोई मॉइस्चर नज़र नहीं आ रहा है। इसमें थोड़ा सा तो इसमें जो है एडवांटेज मिल सकता है, फ्रेश अर्ली ऑन जो पहले बॉलिंग करेगा उसको एडवांटेज मिल सकता है, मगर सेकंड में भी थोड़ा सा एडवांटेज इसलिए आ सकता है कि बाद में जो मॉइस्चर का होगा, जो ड्यू वगैरह आएगी उसकी वजह से थोड़ा सा मॉइस्चर पिच में आ सकता है। जहाँ तक आपने कम्बिनेशन की बात की है, तो मेरा ख्याल है कि एक तो पिछले मैच में धानी ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की थी और बड़ा आइडियल बॉलर है इसके लिए T20 फॉर्मेट का, उसका बाहर होना, जो इंटरकोस्टल मसल है उसकी इंजरी हुई है उसकी वजह से वो बाहर हो गया, तो ये बड़ा कास्ट करेगा, क्योंकि जो हसन अली है उनकी रिप्लेसमेंट पर वो पाकिस्तान टीम से बैड परफॉर्मेंस पर ड्रॉप हुए हैं, पिछले दो साल से किसी शॉर्ट फॉर्मेट में वो परफॉर्मेंस नहीं कर सके, इस वजह से टीम से ड्रॉप थे, सडनली हमारे बॉलर इंजर्ड हुए हैं तो वापस टीम में आए तो उन पर प्रेशर होगा। दूसरा, असनैन काफ़ी अर्से से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेले, वो उन पर भी थोड़ा सा प्रेशर होगा, तो ये चीज़ मेरा ख्याल है कि टीम कम्बिनेशन बनाने में पाकिस्तान को थोड़ी सी मुश्किल पेश आएगी। देखें लिया साहब, आपने बड़ी क्रिकेट खेली है, स्लो विकेट पे आप जितना तेज करोगे वो बैट्समैन के एडवांटेज पे जाता है, और स्लो विकेट, फास्ट तो बॉलर के एडवांटेज पे जाएगा फास्ट विकेट पे,
क्योंकि आपकी शॉट बन जाती है। और आपका बेस्ट एग्जांपल है विव रिचर्ड्स, जो अगर पाकिस्तान में फास्ट बॉलरों को मारता था और नज़ीर जूनियर से भाग जाता था वो, बिल्कुल ठीक है ना। तो द क्वेश्चन इज हमारे फास्ट बॉलर्स वो नहीं है। और अब हसन अली को लेके आ रहे हैं, जो कि जब सलीम ने सही कहा कि अब वो सारे बैट्समैन फॉर्म में आ गए, विकेट ठीक हो रही है, और आप उसको अब खिलाओगे। देखिए अतः मैं पहले एक इंडियन साइड से एक बात करूँगा, मैं हालांकि पाकिस्तान को एक एडवांटेज होगा, जिन्हें बहुत अलग क्रिकेटर है, ही वॉन्ट बी प्लेइंग, अनफिट हो गया, ही इज़ द बैकबोन ऑफ इंडिया इन आई पर्सनली बिलीव। तो जैसे आप बात कर रहे हैं कि जैसे हसन अली की अभी बात और बात कर रहे हैं, हम सब लोग यहाँ पे बैठे हुए, लेकिन आपके पास अब चॉइस कोई नहीं है ना किसको उसको लेके। आपको इस वक्त हमारी जो मिडल बैटिंग लाइनअप है मुझे थोड़ी सी हल्की लगती है, आज अफ्रेड ऐसा चॉइस क्यों नहीं है? सॉरी, चॉइस क्यों नहीं है? आप बोर्ड में बताते क्यों नहीं? I have to nothing to do with this selection or anything, thanks God for that. Advice. अब आवाज कोई सुनेगा तो दूंगा ना, नहीं सुनेंगे तो। अच्छा नहीं सुनते सर? मैं नहीं, लोग टीवी पे सुन रहे हैं, आप एडवाइस। नहीं मैं सर मैं क्वेश्चन कर सकता हूं? करे, करे। आप बोर्ड में हैं, देखेंगे तीन हमारे जो प्रीमियर फास्ट बॉलर थे वो मेगा इवेंट से पहले बाहर हो गए टीम से, ठीक है, जो चार खेल रहे हैं फास्ट बॉलर और चारों अनफिट हैं, अगर तो किस किस्म की पाकिस्तान ने तैयारी की? मैं बात सुनो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बात मैं ये करता हूँ कि मैं एहसान मानी को भी अब टेलीफोन करके पूछ लें और वसीम खान को भी कहा था कि इसको शाहीन को डोंट कीप यूजिंग, कि उसे ब्रेक देते रहे। अच्छा आपने कहा ब्रेक लेते रहे, ब्रेक मुझे कहा है ब्रेक लो, मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, तो ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं एंड विल कंटिन्यू द कॉन्वर्सेशन। वेलकम बैक टू टैंग एशिया क्रिकेट कप क्रिकेट हंगामा प्रेजेंटेड बाय कोका कोला, स्पॉन्सर्ड बाय zameen.com, कंपनी स्टार्टेड इन 2006 बाय इमरान अली खान, ज़िशान अली खान, 5,500 employees, 55 lakh hits on the websites and over 20,000 agents serving all over the country for you. And of course, revolutionizing the company, they started with, the, as they call, the latest technology, virtual reality. And of course, after that, what they did was, they started Zameen Development in 2018 and acquired by the parent company EPMG. By acquiring OLX, they become a unicorn $1 billion company. Thank you, zameen.com, for sponsoring us. अब बात आती है जी के यहाँ क्या हो रहा है हमारे सेट्स पे, लेकिन एक कॉल है हमारे साथ सलीम बुखारी साहब की। बुखारी साहब, आप कुछ ओपिनियन लेना चाह रहे हैं, क्या लेंगे आप हमारे पैनल से? पहली बात तो ये है पीजे कि मैं यहाँ अपनी पूरी फैमिली के साथ और अपने दोस्तों के साथ ये आपका शो देख रहे हैं, इसलिए कि आपके प्रोग्राम में बड़े 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 लेजेंड्स बैठे हुए हैं, सलीम मलिक हैं, रऊफ हैं, इलियास हैं, और आप खुद भी, मतलब है मैं अगर व्यूअर्स को नहीं पता वो तो पता है आपका नाम, कोई छोटा नाम नहीं है, आपने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की हुई है वर्ल्ड कप में 1975 के, तो आप ये सारे लेजेंड जो है, मुझे दो सवाल पूछने हैं आपसे और मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर आप अपनी एक्चुअल ओपिनियन दें जो आप फील कर रहे हैं, सिर्फ प्रोग्राम की खातर नहीं। एक तो ये कि हर मैच के अंदर एक आदमी होता है जिसको फोकस करते हैं कि वो मैच विनर है, आई वॉन्ट ऑल माई थ्री फ्रेंड्स टू टेल अस कि वो कौन है आज जिसको दैट वी शुड वॉच, और सलीम मलिक से ये पूछिए कि क्या उस तरह के माइंडसेट की जरूरत होती है, जो इनिंग उन्होंने ईडन गार्डन कलकत्ता में खेली थी 91 की, क्या माइंडसेट जरूरी है उसके लिए या वैसे ही दाव लग जाता है ये? वेरी गुड क्वेश्चन, तीनों की राय ले लीजिए। चलें जी बताइए सलीम। अच्छा सवाल किया बुहारी साहब ने, दाव लग जाता है। नहीं ये देखें, ये जो उस किस्म की इनिंग होती है ना, आप सोच के नहीं खेलते कि आपने सोचा कि मैं इस तरह खेलूँगा, वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, कि सिचुएशन ऐसी बनी कि 14 रन्स की एवरी थी, आपको तेज़ खेलना था, आप जब हिट आउट करते हैं तो जब आपकी लगनी शुरू होती हैं तो वो मोमेंटम बन जाता है कि यार आज मेरा दिन है, आपको नज़र आ जाता है, मगर ये कभी ऐसा नहीं होता कि आप सोच के जाते हैं कि ये करेंगे। दूसरा सवाल उनका ये था, दूसरा उन्होंने क्या पूछा था, कौन सा प्लेयर फोकस को मैच जिताने के लिए? हाँ नहीं देखे, ऑब्वियसली उनका फोकस हमारे बाबर आजम पे होगा, डेफिनेटली होता है जी, हर टीम का होता है कि वो ज़रूर ये चीज़ देखती है कि कौन सा प्लेयर जिसको हम आउट करेंगे तो टीम एकदम गिर जाएगी,
तो यकीनन हमारी टीम में बाबर आजम से बेहतर तो दुनिया का नंबर वन प्लेयर है, उस पर फोकस करेंगे। मगर इंडिया की अगर बात करें आप, तो इंडिया में विराट के बाद और भी दो तीन प्लेयर ऐसे हैं जिन पे फोकस करना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि आज हमें जो बॉलिंग है वो बड़ी सोच समझ के करनी पड़ेगी, क्योंकि स्पेशली रौफ को मैं कहूँगा कि वो पिछले कई मैचों से वो ज़ोर ज़्यादा लगा रहा है, लाइन एंड लेंथ पे बॉल नहीं कर रहा। तो इंडिया के ख़िलाफ़ स्पेशली हमें, अगर आप फास्ट बॉलर हैं तो आपको बेशक अपनी स्पीड कम भी करनी पड़े, आपको लाइन एंड लेंथ पे बॉल करनी चाहिए। क्योंकि ये जो अच्छे बैट्समैन होते हैं ना, दुनिया का जितना भी अच्छा बैट्समैन होएगा ना, जब आप उसको डॉट बॉल करेंगे तो वो अंडर प्रेशर आएगा कि वो फिर आपकी अच्छी बॉल पे भी चांस लेता है। सो टू द क्वेश्चन, आप, इन्होंने एक का कहा, मैं कहता हूं दो कौन से हैं जिन पे हम फोकस करें? इंडिया में देखें, अर्ली ऑन तो विराट डेफिनेटली एक प्लेयर है जो उनका बाकी कुछ फॉर्म में नहीं है। नीचे से पांड्या को फोकस करना पड़ेगा इनको। क्यों जी? आप देखिए, मेरा ख्याल है कि सूर्या कुमार यादव और जो हार्दिक पांड्या बहुत ही ज़्यादा डेंजरस प्लेयर हैं, और जो उनकी ख़ास बात यह है कि आजकल वही मेन प्लेयर हैं जो कि सारे मैच का नक्शा चेंज कर देते हैं। तो इन पे बहुत ज़्यादा पाकिस्तान टीम को फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट मैच में भी आपने देखा कि पांड्या ने वन साइड पाकिस्तान का मैच इंडिया की जोली में डाल दिया था। तो ये मेजर मेरा ख्याल है कि इसमें थोड़ा सा और प्रेशर मोहम्मद हसनैन पे होगा, क्योंकि वो भी इस वक्त पाकिस्तान टीम का हिस्सा बन चुके हैं अदानी की जगह पर। तो उन पर बहुत ज़्यादा रिलाई करेगी पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग, क्योंकि अगर वो बॉलिंग अच्छी करने में कामयाब हुए विकेट टू विकेट, तो फिर मेरा ख्याल है कि इंडियन बैट्समैन को सस्टेन कर सकते हैं, अदरवाइज़ पाकिस्तान के लिए मुश्किल का इम्कान है। इलियास साहब, आपके? मैं तो, मेरी तो जो मेरा पर्सनल व्यू है कि पाकिस्तान को हर प्ले पे उन पे नज़र रखनी पड़ेगी। अगर आप निकाल के देखें, ठीक है अभी इंडिया कप्तान ने कोई परफॉर्मेंस नहीं, ही गो टू कम आउट सम टाइम आउट ऑफ दिस बैड रफ। आ गया जी 35 और 59 कर गया वो। हाँ नहीं, बात यह है कि लेट्स बी फेयर, इंडियन टीम बैटिंग लाइनअप ऑन पेपर बहुत तगड़ी है, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान ने अब जो टॉस जीता है, आई बिलीव कि पाकिस्तान इज गुड इनफ टू टेक ओवर फ्रॉम दिस इंडियन बैटिंग लाइनअप। प्रॉब्लम ये होगी यहाँ पे कि आपको यहाँ पे लेंथ एंड डायरेक्शन खिलाना पड़ेगा, जितने भी डॉट बॉल खिलाने पड़ेंगे। जब डॉट बॉल बैट्समैन खेलता है, डजंट मैटर हाउ वर्ल्ड क्लास हाउ आउट क्लास प्लेयर इज, उससे प्रेशर तो आ जाता है, इज ओनली 20-20 ओवर गेम। तो मेरा जो ख्याल है कि इस पिच पे अभी जो शाम को सेकेंड इनिंग भी मेरा ख्याल है ये गेंद घूमेगा और थोड़ा सा ऊंचा भी आएगा। आप कह रहे हैं कि ये गेंद ऊपर आएगा, दो ही साइड लिटल ब्राउन है, लेकिन वहाँ पे गेंद ऊंचा आएगा। प्रॉब्लम अब ये है कि पाकिस्तान क्या कम्बिनेशन खिलाता है, मैं अभी तक नहीं पता। हसनैन का बताया जा रहा है अभी तक नहीं पता, लेकिन आई स्टिल बिलीव कि अगर पाकिस्तान इंडिया रनजे कर जाता है जो भी है, आई बिलीव आई गो बैक टू द पाकिस्तान बैटिंग। देखिए पाकिस्तान को कैन ईजी स्कोर फर्स्ट सिक्स ओवर में 70 रन करेंगे तो पाकिस्तान कैन ईजली कैन विन। 6 ओवर में 70 करें तब जीतेंगे, करना पड़ेंगे, उसकी वजूहत है। लेकिन बॉलिंग मशीन लाई उन्होंने, सॉरी बॉलिंग मशीन से करेंगे वो। मुझे आवाज़ नहीं आ रही आपकी, मुश्किल सवाल है। नहीं, जो उन्होंने क्वेश्चन किया था ना, देखें इस मैच में रिलैक्स तो आप कर नहीं सकते, इंडिया के खिलाफ तो कभी भी रिलैक्स नहीं कर सकते, मगर उनका क्वेश्चन ये था कि दो कौन से प्लेयर ऐसे हैं जिनको आप फोकस करते हैं कि यार ये आउट होने चाहिए। आप, मेरा ख्याल क्वेश्चन शायद थोड़ा सा मिस कर गए। मैं समझ गया था, लेकिन प्रॉब्लम ये पॉइंट ये, लेकिन आप उनके दोनों ओपनिंग बैट्समैन को भी निकाल कर देखिए उनकी क्या परफॉर्मेंस रहती है, कैसे वो खुला खेलते हैं। उनका भी सिर्फ एक या दो प्लेयरों के ऊपर नोटिस नहीं करना चाहिए, आप ये भी देखेंगे अर्ली ऑन जो उनके ओपनिंग प्लेयर्स हैं वो कैसे प्लेयर हैं। ठीक है, पुखारी साहब आपको जवाब मिल गए, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सो मच एंड कीप इट अप ऑल ऑफ यू, आई हैव ऑल माय बेस्ट विशेस फॉर यू, थैंक यू, थैंक यू। इतने सलीम बुखारी साहब, अच्छा आपने इनका जवाब दे दिया, अब मुझे बताएं अब के पिच रिपोर्ट आती है क्या इस पे बनता है। लेकिन अगर पाकिस्तान जीतता है वो क्या करेगा, इंडिया जीतता है वो क्या करेगा? नहीं, ऑब्वियसली देखें फ्रेश विकेट होती है तो कोशिश तो यही होगी कि टॉस जीत के बॉलिंग की जाए। तो मेरा ख्याल है जो भी टीम टॉस जीतेगी वो कोशिश करेगी कि बॉलिंग करे। क्यों जी? जी बिल्कुल एग्जैक्टली, और जिस तरह की ब्राउन पिच है और उस पर घास है तो
नहीं सही कह रहे नहीं एक्चुअली पीजे एक्चुअली हमने थोड़ा सा वो हो चुका है, इसलिए लग रहा है कि जो फ्रेश विकेट होती है ना उसमें हमेशा थोड़ा सा मॉइस्चर होता है, तो हर टीम की कोशिश होती है कि वो अगली टीम को डाले और अंडर प्रेशर लेके आए, अर्ली ऑन विकेटें ले ताकि मैच को मतलब अपने काबू में जिसको कहते हैं उन्हें काबू कर सके। तो ये है कि हर टीम की कोशिश होगी कि टॉस जीत के बॉलिंग करे। क्यों जी लिया साहब आप क्या कहेंगे इसमें? मैंने सवाल नहीं सुना था आपका। नहीं वो कह रहे हैं टॉस जीत के क्या करेंगे कोई टीम अगर टॉस जीत। मेरा ख्याल है कि इंडिया स्पेशली इंडियन पाकिस्तान मैचेस सारी दुनिया देख रही होती है, आई थिंक जो भी टॉस जीता उसने अपोजिट को टीम में डालना था। जैसे आप पाकिस्तान ने जब टॉस जीता है इफ आई अंडरस्टैंड द राइट क्वेश्चन तो इंडिया पाकिस्तान ने बिल्कुल ठीक किया बिकॉज दे लाइक टू सी के जो क्या रन हुई हैं कोई पता नहीं होता इससे। आर वी गुड चेजेस? सॉरी आर वी गुड चेजेस? हम चेज अच्छा करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन पॉइंट सारी ये है कि जैसे अभी हम आपको पता नहीं हमें टीम का नहीं पता पाकिस्तान की क्या नहीं है। बिल्कुल नहीं पता नहीं पता तो पॉइंट सिंपल से ये है कि आपको एक पता चल जाता है कि जब आपने पहले अपोजिशन पहले बैटिंग की आपको टारगेट का पता चल जाता है कि हाउ कितना टारगेट है 6 का 8 का 10 का, तो उसके से आप अपनी बैटिंग लाइनअप को तैयार करते हैं जब सेकेंड इनिंग बैटिंग करते हैं। अब ये नहीं कि जो आपने पहले इनिंग बैटिंग करनी है वो वही होगा, लेकिन हो सकता है रद्द बर्द होती रहती है बैटिंग ऑर्डर में, तो ये भी फर्क पड़ता है, एडवांटेज मिल जाता है बैटिंग लाइन आपको। सर क्वेश्चन लिया सर, आपका क्या ख्याल है कि इस मैच में हसनैन या जो है हसन अली उसमें से किसको खेलना चाहिए इस पिच के हिसाब से? हसनैन को मेरी नज़र में हसनैन को खेलना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं क्योंकि वैसे मैं थोड़ा सा रिस्पेक्ट करता हूँ आपके, थोड़ी अपनी ओपिनियन है आर एक की, मरहल मेरा अपना ओपिनियन है कि चूंकि ये इंडिया के खिलाफ मैच है, गो के मार उसको पिछले मैचों में अच्छा नहीं किया, मगर हसन अली एक एक्सपीरियंस बॉलर है और वो मे बी पाकिस्तान को कोई आज अच्छा कर जाए अगर वो खेलता है तो हर मैच में उसने 50 किए हैं। नहीं मैं वही मैंने कहा कि उसको मार पड़ती रही है पिछले मैच में, चूंकि ये एक फ्रेश विकेट होगी जो पिछले मैच में देखा। चलें जी एक ज़रा टॉस अभी हमारे पास अभी आया नहीं है, लेकिन ये जो टॉस अभी अगर लेट्स से पाकिस्तान जीत गया, पाकिस्तान ऑब्वियसली बॉलिंग करेगा जी, जो भी जीतेगा मेरा ख्याल बॉलिंग करेगा। अच्छा पाकिस्तान ने फैसला कर लिया बॉलिंग का, टॉस जीत गया पाकिस्तान। अच्छा वेरी गुड, वो जीत गया सर, वो बॉलिंग करेगा। क्यों जी? पाकिस्तान हैज वन द टॉस एंड हैज डिसाइडेड। जैसे मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान मतलब जो भी कोई टीम जीतती मेरा ख्याल उन्होंने अपोजिशन खिलाने थे, इंडिया को खिलाया। जैसे मैं पहले कह रहा था कि आपने ये देखना है कि आपके टारगेट क्या है, यू हैव टू चेज द टारगेट। अगर आपको टारगेट चेज करेंगे तो आपको पता होगा, ये देखें जब हमारा वर्ल्ड कप में मैच हुआ था अंडर 35 अंडर 36 में इंडिया को हमने आउट कर दिया था इफ आपको याद होगा, तो पाकिस्तान के लिए बड़ा ईजी हो गया था अंडर 30 विदाउट लूजिंग एनी विकेट। विकेट चेंज होगी जो पाकिस्तान बैट करेगा? मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा चेंज होगा क्योंकि ड्राई डाउन हो जाएगा, जैसे ही ज़्यादा ड्राई होगा तो उसमें बैटिंग थोड़ी सी आसान हो जाएगी और इंडियन बॉलर्स को इतना एडवांटेज नहीं मिलेगा जितना पाकिस्तानी बॉलर्स को अर्ली ऑन एडवांटेज मिलेगा। तो मेरा ख्याल है कि अगर जिस तरह आपने बताया कि पाकिस्तान ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया, तो मेरा ख्याल है कि आइडियल अपॉर्चुनिटी मिल गई है पाकिस्तान को। अगर पाकिस्तान शुरू में जिस तरह केएल राहुल भी इतने ज़्यादा फॉर्म में नहीं है और रोहित शर्मा पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा अंडर प्रेशर खेलते हैं, अगर इन दो की विकटें लेने में अर्ली ऑन कामयाब हो जाता है तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की बॉलिंग में इतनी डेप्थ है कि कंट्रोल कर सकते हैं जी। फाइनल वर्ड्स? नहीं बिल्कुल, इसमें देखें टॉस जीत के बैटिंग ही करनी थी, बॉलिंग ही करनी थी उन्होंने, क्योंकि फ्रेश विकेट होती है, मॉइस्चर होता है, उसका एडवांटेज पूरा कोशिश करेगी पाकिस्तान लेने। ओके जी जेंटलमैन थैंक यू वेरी मच एंड लेट्स सी हु विंस दिस मैच। हमारी तो सपोर्ट पाकिस्तान के साथ है एज ऑलवेज, बट लेट्स सी how good the game is. Join us again tomorrow and until then look after yourself. Khuda hafiz.